आज की हमारी इस क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, और इसमें हम बात करेंगे आज प्रोटेक्शन मेथड की। क्योंकि नॉर्मल हमने कॉपी पेस्ट करना सीख लिया था, हमने फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करना सीख लिया था, अब हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन के, हाउ कैन प्रोटेक्ट योर सीट, योर फाइल एंड रेंज। तो सबसे पहले हम एक सीट की प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, चलिए इन चीजों पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने एक डेटा लिया, अब मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है, कॉपी करके मैं इसके ऊपर वैल्यू पेस्ट कर देता हूं ताकि फॉर्मूला हटे ना। तो मैं चाहता हूं कि इस डेटा को कोई चेंज ना कर सके, तो सिंपल सीट के ऊपर जाऊंगा, प्रोटेक्ट शीट, और इसमें पासवर्ड डाल दूंगा। लेकिन पासवर्ड डालते समय ध्यान रखिएगा, यहां पर क्लियरली मेंशन है कि इफ यू लॉस एंड फॉरगेट अ पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, तो आपका पासवर्ड रिकवर होने के चांसेस नहीं है, इसलिए ध्यान से रखिएगा। हाँ, बहुत सारे क्रैकर हैं जो पासवर्ड को क्रैक कर देते हैं, लेकिन उसकी भी 100% गारंटी नहीं है कि आपके हर पासवर्ड को क्रैक कर दिया जाएगा। पीयूष जी प्लीज सेशन को रिकॉर्ड कर ले, अल्ट प्लस आर प्रेस करके। पीयूष जी ओके सर, यस सर, यस सर, अल्ट प्लस आर ताकि सेशन रिकॉर्ड होकर आपके माई डॉक्यूमेंट के जूम फोल्डर में चला जाएगा। यस सर, रिकॉर्ड हो रहा है, टाइमिंग आ रही है। नहीं सर, आपकी रिकॉर्ड नहीं हुई, मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। अल्ट प्लस आर प्रेस कीजिए ना, अल्ट प्लस आर दबा तो दिया है सर मैंने, रिकॉर्ड पे नहीं हो रहा था सेशन। तो मोड में जाके रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए ना, मोड पे रखे हैं, अल्ट प्लस आर इसका शॉर्टकट होता है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। सर मैंने दबा तो दिया है अल्टर प्लस आर, अब रोके एंटर नहीं सर, अल्ट 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 प्लस आर, ओके ठीक है सर, अब वो रिकॉर्ड हो गया, आपके नाम के सामने रिकॉर्डिंग का साइन आ गया ना, इसलिए अब वो रिकॉर्ड। यस सर, तो म्यूट कर लीजिए। ओके सर, चलिए तो अब बात करते हैं कि इसमें हमने प्रोटेक्शन लगा दिया, तभी हम टाइपिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमने शीट को प्रोटेक्ट कर दिया। लेकिन इस पूरी शीट को हम कॉपी करके किसी और लोकेशन पे ले आ सकते हैं, कॉपी किया और किसी और शीट पे इसको रख सकते हैं। सो मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा कोई कॉपी ही ना कर सके, तो एक्सेल में कॉपी को डिसेबल करने का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। लेकिन कॉपी करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, कॉपी करने के लिए जरूरत पड़ती है सिलेक्शन, कि बिना डेटा सिलेक्ट किए हुए कॉपी करने कोई फायदा है, नहीं है, तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसे कि हम यहां पे राइट क्लिक करते हैं, इसको पहले अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब यहां आप देखेंगे कि अगर मैं सिलेक्शन ना करूं तो कॉपी का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो मैं राइट क्लिक करके जब प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करता हूं, जब प्रोटेक्ट करता हूं शीट को, तो यहां पे लिखा हुआ है अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, मतलब कि पासवर्ड डालने के बाद ये सारे फीचर्स अलाउ होंगे। इसमें आप देखिए बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट लॉक सेल एंड बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट अनलॉक सेल है। अब लॉक सेल क्या होता है, अनलॉक सेल क्या होता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। फिलहाल हमें इतना पता है कि ये सिलेक्शन को मतलब की सिलेक्शन को डिसेबल करने का कमांड है, तो मैं प्रोटेक्ट करते समय इन दोनों को हटा देता हूँ। हटा के फिर ओके कर दिया, तो अब देखिए कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने पासवर्ड नहीं डाला है, बट आप पासवर्ड डाल दीजिएगा, ये बता रहे सर पासवर्ड को रिकवर नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने पासवर्ड नहीं डाला। ये समझ में आ गए, सिलेक्शन रिमूव करना होगा, कोई डाउट आप लोगों को? अमित जी, पीयूष जी, कोई डाउट? सोनू जी,
सर मेरे को सर मेरे को लॉक वाला शायद मेरा मिस हो गया है कि लॉक कैसे डालते हैं। बस आपको राइट क्लिक करना है और प्रोटेक्ट शीट पे जाना है और यहाँ पे पासवर्ड डाल देना, ठीक है? ओके जी मैं सर, ओके आगे सर। बताता और हूँ। ये यूज़ कहाँ होगा सर, ये किसी यूज़ कहाँ पे किसी होगा? किसी सीट को आप चाहते हैं कि कोई इस पे टाइपिंग ना कर सके, सिर्फ देखे। अच्छा ओके सर, जैसे कोई डेटा है ना, मान लीजिए कोई डंप डेटा है आपका, राइट? तो डेटा ओके सर, में हम लोग क्या होता था कि बहुत सारे लोग उस डेटा को एक्सेस करते थे अपनी रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए। यस सर, ऐसे होते थे कि डेटा को चेंज कर देते थे, कोई डिलीट विलीट कर देते थे। यस सर, डेटा को जस्ट कॉपी करना था, ओके तो इसलिए हम लोग क्या करते थे कि उसको प्रोटेक्ट कर देते थे। कि प्रोटेक्ट करने के बाद आपका डेटा चेंज नहीं होगा, कॉपी करके ध्यान रखना, रख लीजिए। दूसरा, कई कई सारे केसेस में क्या होता है कि हमें सेलेक्ट कॉपी नहीं करने देना होता है। यस सर, कोई डेटा जैसे क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स वगैरह है तो हम नहीं चाहते कोई कॉपी करे, या फिर कस्टमर के मोबाइल नंबर वगैरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, तो कई सारे जगह में ऐसा होता है कि कॉपी पर डेटा का कॉपी नहीं करना होता है। तो कॉपी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, जब सीट को प्रोटेक्ट करेंगे तो यहां होता है लॉक अनलॉक, उसको अनचेक कर दीजिए, ठीक है? ये अलाउड अनलॉक को क्या करना, अनचेक कर लॉक देना। मतलब अनलॉक को? होता है क्या, एक्चुअली बताता हूँ आपको। अगर आपने पासवर्ड डाल दिया तो इसमें मान लीजिए पासवर्ड हाँ डाल दिया आपने, तो पासवर्ड डालने के बाद अभी भी आप जो है सिर्फ सिलेक्शन कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ ऑप्शन ऐसा होता है, प्रोटेक्ट करते समय आप कई सारे चीज इसमें कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि भाई प्रोटेक्ट करने वाला पर्सन फॉर्मेट कर सके, तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर दीजिए, तो पासवर्ड अप्लाई करने के बाद भी यहाँ पे वो कलर कर सकता है, ठीक है? ओके सर, आप आपने डेमो क्लास का फॉर्म फिल कर दिया है? नहीं? हाँ, तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, तभी तो सिस्टम हमारा आपका इन्फॉर्मेशन लेगा और आपको डेमो का रिक्वेस्ट भेजेगा। हाँ, फिर फिल कर दीजिए, देखता हूँ। ठीक, रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, कुछ कनेक्शन ब्रेक हो गया तो मेरा ऑफ हो गया था जूम, तो उसकी वजह से। हाँ ठीक है, मैं अलाउ कर दिया, आप कर लीजिए। तो मैं चाहता हूँ, तो ये आपका जो ऑप्शन होता है पीयू जी, ये ऑप्शन में ये होता है कि पासवर्ड डालने के बाद यूजर क्या क्या करेगा और क्या क्या नहीं करेगा, समझ गए? जिस पे क्लिक होगा वो पासवर्ड डालने के बाद भी करेगा, और जिस पे क्लिक नहीं होगा वो पासवर्ड डालने के बाद नहीं करेगा। तो इस पे अगर मैं ओके कि सिलेक्ट लॉक सेल या सिलेक्ट अनलॉक सेल, मतलब कि सिलेक्शन, तो हमने सिलेक्शन की यहाँ पे परमिशन हटा दी, तो पासवर्ड डालने के बाद वो अब क्या है कि सिलेक्शन नहीं कर पाएगा, ओके सर, समझ गया? ओके सर, तो ये आपका होता है प्रोटेक्शन में इस चेकबॉक्स का अंतर। इसमें बहुत सारी चीजें, मैं चाहता हूँ फिल्टर कर सके, सॉर्टिंग कर सके, तो यूज ऑटो फिल्टर, यूज सॉर्टिंग, तो पासवर्ड डालने के बाद भी सॉर्टिंग ऑटो फिल्टर कर सकता है, पिवट लगा सकता है, तो जिसकी परमिशन भी क्लिक करोगे वो ही परमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, ओके इसमें अगला ऑप्शन आता है कि मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखूं, मतलब कि यहां पे प्रोटेक्ट करने के बाद मैं किसी भी सीट पे पासवर्ड टाइपिंग नहीं कर सकता, कुछ चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया पे चेंज कर सकूं, उसके बाद चेंज नहीं कर सकूं। मैं चाहता हूं कि ये जो कलर्ड एरिया है ये प्रोटेक्शन से बाहर है, पासवर्ड डालने के बाद मैं बाकी जगहों पे काम ना करूं, बट इस कलर्ड एरिया पे, समझे? होता क्या है, जब सीट को प्रोटेक्ट करते हो तो यहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल, जो सेल लॉक्ड है उसी के ऊपर प्रोटेक्शन अप्लाई होता है। तो लॉक सेल कैसे पता चलेगा, तो किसी भी सेल जो बाय डिफॉल्ट आप जाइएगा राइट क्लिक के फॉर्मेट सेल में, और इसके लास्ट में प्रोटेक्शन का टैग है, तो जो प्रोटेक्शन का टैग लास्ट में है इस पे लॉक पे क्लिक है, तो डिफॉल्ट हर सेल पे लॉक पे क्लिक होता है, मतलब कि हर सेल प्रोटेक्ट है, प्रोटेक्शन को सपोर्ट करता है, ठीक है?
मैंने इस कलर एरिया को राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गया और यहां से इसके लॉक को हटा दिया। उसके बाद अगर मैं पासवर्ड डालता हूं तो क्या होगा, पासवर्ड डाला यहां पे वन, पासवर्ड को कंफर्म किया एंड ओके। तो अब मैं कहीं भी कर सकता, बस इस कलर एरिया पे टाइप कर सकता हूं। तो हमने क्या किया था कि राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके प्रोटेक्शन वाले टैब में हमने लॉक को अनचेक कर लिया था। समझ में आया पीयूष जी एंड सोनू जी एंड अमित जी? यस सर। जी सर। अब इसी का उल्टा करते हैं, हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी सीट हमारा अनलॉक रहे बट एक पर्टिकुलर एरिया हमारा लॉक्ड रहे, समझे? मैं चाहता हूं रेड एरिया लॉक्ड है बाकी अनलॉक्ड। हम जानते हैं कि हर सेल बाय डिफॉल्ट लॉक्ड होता है, तो हमने क्या किया ए और वन के ऊपर क्लिक किया और पूरी सीट को सिलेक्ट कर, फिर राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और फिर इसके लॉक्ड को अनचेक कर दिया, लॉक्ड को अनचेक कर दिया एंड ओके। और फिर हमने रेड एरिया को क्लिक किया, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और यहां लॉक पे क्लिक कर दिया। मतलब कि इसके अलावा पूरा जितने भी सीट है वो पूरा का पूरा अनलॉक्ड है, सिर्फ ए लॉक्ड है। ठीक है, अब उसको ओके करते हैं और फिर वैसे पासवर्ड डालते हैं एंड ओके। अब यहां पे देखिए, यहां पे टाइप हो रहा है बट यहां पे इन सबों का बेनिफिट क्या होता है, तो चलिए एक एग्जांपल बताते हैं पीयूजी की इस लैंग्वेज में। जैसे कि मेरे पास एक डेटा एंट्री है, जैसे कि नेम है, रोल नंबर है, मेरे नेम यहां पे क्वांटिटी कर देता हूं, क्वांटिटी एमआरपी अमाउंट यहाँ पे हो जाता है हमारा कमीशन जीएसटी टोटल डेट एंड टाइम। ठीक है, तो ये जो आपका अमाउंट है वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी है, कमीशन अमाउंट का 2% है और जीएसटी अमाउंट का 18% है, टोटल इन तीनों का सम है और इन चारों को मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूं। मैं इस पे नाम लिखता हूं, मैंने लिखा यहां पे पूजा, क्वांटिटी का 20, एमआरपी लिखा 36, तो ये बाकी सब अपने आप कैलकुलेट हो गया। और फिर मैंने यहां पे अपना डेट और टाइम लिख दिया। तो अब देखिए क्या है कि ये तो खामा का अपने आप कैलकुलेट हो जाता है, तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि जब मैं यहां पे एंटर मारूं तो मैं कर सर डायरेक्ट यहां से जंप कर यहां पे। मैं कर सर जंप करे यहां से यहां तक, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जब मैं यहां से कर्सर मारूं तो डायरेक्ट मुझे यहां से यहां तक जंप हो जाए। तो मैंने क्या किया, पूरे सीट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गए, उसकी लॉक टू हटा दिया और जितना दूर हमारा पाए डाला हुआ है, फॉर्मूला डाला हुआ है, उतने कॉलम को सिलेक्ट किया और वापस इसमें लॉक लगा दिया। तो अभी क्या हुआ कि जो फॉर्मूला वाला एरिया है, कॉलम है डी ई एफ जी, उस पर पासवर्ड अप्लाई होगा बट इन सबों पे पासवर्ड अप्लाई नहीं होगा।
दूसरी चीज, कर्सर को चेंज ना कर सके उसके लिए मैं प्रोटेक्ट शीट करते समय यहां पे आप देखिए क्या है, लॉक्ड सेल और अनलॉक्ड सेल। तो लॉक सेल कौन सा है, लॉक सेल है आपका डी ई एफ जी, और अनलॉक सेल कितना है, इसके अलावा जो भी सेल है सारे अनलॉक्ड है। तो हमने बोला कि लॉक सेल को सिलेक्ट नहीं करना है, आप लॉक सेल को सिलेक्शन की अथॉरिटी हटा दिया, सिर्फ अनलॉक सेल मतलब जिस पे हम टाइप कर सकते हैं हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। ओके हो गया, पासवर्ड डाल के ओके कर दीजिए। अब यहां पे मैं नाम लिखता हूं, मैं लिखता हूं ओम, यहां पे लिख दिया मान लीजिए 45 36, और जैसे टैब मारूंगा मेरा कर्सर डायरेक्ट यहां पे जंप हो जाएगा, मतलब मेरा किसी भी कंडीशन में इनके बीच में सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये आपका डेट हो गया, ये आपका टाइम हो गया। ओके, इस तरह से इसको यूज आप कर सकते हैं। तो कोई डाउट इसमें पीयूष जी एंड अमित जी सोनू जी? नो सर, बहुत सही सर, लेकिन इसमें बीच में कोड क्या लिखा है वो इतने अच्छे से कंफर्म नहीं है। क्या नो क्या बोला, सुन नहीं पाया ना सर? समझ में पूरा आ गया सर, लेकिन जो कोड लिखे ना आपने वो पता नहीं है सर। हम कौन सा कोड लिखा हमने सर, बीच में आपने कुछ कोड लिखे थे ना जैसे कॉम के लिए मल्टीप्लाई किया था, मैंने जस्ट मल्टीप्लाई किया था सर दोनों सेल को आपस में। हाँ तो सर उसके लिए आपने D1 करके कुछ लिखा था, तो सर D1 सेल्स का, सेल्स का रेंज है, मतलब आप देखिए एक्सेल काफी कमजोर है सर। D1 जैसे मान लीजिए ए हुआ, तो इसकी इसकी जो अच्छा ये वाला डी है, ओके सर वो D1 हुआ। तो अगर मान लीजिए इस पे मैं अच्छा डी कॉलम और रो, कॉलम अच्छा कॉलम और रो प्लस 20, ओके सर। ठीक है ना, मान लीजिए कि मुझे मल्टीप्लाई करना है C1 से, तो अब C1 और D1 मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर 20 लिखता हूँ, यहाँ पे 30 लिखता हूँ, तो मल्टी रिजल्ट आएगा। ओके सर ठीक है, निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय मान लीजिए 2% 2% कर दिया, तो E1 मल्टीप्लाई बाय 2%। यस सर ठीक है, ओके सर। चलिए तो ये समझ में आ गया ना आपको, जैसे कि अगर आगे चल के मान लीजिए कोई फॉर्म वगैरह भी आप बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई फॉर्म हमने बनाया, यहाँ पे नेम, यहाँ पे लिख दिया रोल, और यहाँ पे लिख दिया मार्क्स, ठीक है। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है कि इसके सामने जो मैं वैल्यू लिखूंगा उसको मैं कलर कर देता हूं पहले, कि अब मुझे क्या है कि इस पूरे फॉर्म में मान लीजिए फॉर्म हो सकता है बहुत बड़ा, लेकिन मुझे कुछ कुछ जगहों पे ही टाइप करना है। मुझे कुछ कुछ जगहों पे ही टाइप करना है, तो मैं चाहता हूं मुझे जहां जहां टाइप करना है कर्सर सिर्फ वहीं पे मूव हो और मैं वहीं पे टाइप कर सकूं। ओके सर, यस सर, यस सर। तो मेरा कर्सर, मैं जहां जहां जाऊं मेरा कर्सर मेरा सिर्फ उसी वहीं उसी एरिया पे जाए, उससे आगे के एरिया पे ना जाए। तो उस केस में हम पहले क्या करेंगे, कंट्रोल से इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक और जाते हैं फॉर्मेट सेल पे, और यहां से अनलॉक हटा देते हैं ताकि इस पे हम टाइप कर सकें। ओके, फिर राइट क्लिक करते हैं और जाते हैं प्रोटेक्ट शीट, और फिर इसमें हम सिलेक्ट लॉक सेल हटा देते हैं, मतलब कि इन तीनों के अलावा तो पूरा सीट लॉक सेल है ना, तो हम इस लॉक सेल को हटा देते हैं एंड देन ओके करते हैं। अब मेरा कर्सर इन तीनों के अलावा कहीं और मूव नहीं, तो मैं इन पे ही टाइप कर सकता हूँ, एंटर मारने पर कर्सर डायरेक्ट आगे चला जाएगा। तो इस तरह की चीजें भी आप यूज कर सकते हो इस मेथड से। ओके, अब इसमें आता है कि मुझे एक से ज्यादा एरिया को प्रोटेक्ट करना है अलग अलग पासवर्ड से। जैसे मेरे पास दो एरिया है, ये दो लोग हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी, मैं चाहता हूँ मिस्टर ए अलग पासवर्ड से काम करे, मिस्टर बी दूसरे अलग पासवर्ड से काम करे, मतलब कि मिस्टर ए सिर्फ इस एरिया पे काम कर सके और मिस्टर बी सिर्फ इस एरिया पे काम कर सके, और दोनों का पासवर्ड अलग अलग हो। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा रिव्यू टाइम में,
और यहाँ आपके सामने दिख रहा है प्रोटेक्ट, नहीं आप प्रोटेक्ट वर्कबुक बगल में अलाउ एडिट रेंज, इस पे आएंगे, न्यू पे जाएंगे और फिर मैं इस पे जाके अपने एरिया को सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ, कोई भी पासवर्ड, ओके कीजिए, पासवर्ड को कंफर्म कीजिए। फिर वापस न्यू पे आता हूँ और मैं यहाँ जाके बी से लेके आई तक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका पासवर्ड मैं कुछ और देता हूँ, पासवर्ड कंफर्म करता हूँ एंड ओके एंड अप्लाई एंड ओके। ठीक है, अब मैं इस ये अभी क्या है, इसमें भी टाइप होगा अभी, लेकिन ये एप्लीकेबल कब होगा, जब मैं सीट को प्रोटेक्ट करूंगा। मैं राइट क्लिक करके भी कर सकता हूँ, यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट यहाँ भी होता है, यहाँ से भी कर सकता हूँ। पासवर्ड डालिए, पासवर्ड कन्फर्म कीजिए एंड ओके कीजिए। अब क्या है कि देखिए मैं यहाँ जैसे मैं यहाँ पे टाइप करने जाऊंगा मुझसे पासवर्ड पूछेगा, और जैसे मैंने इसमें पासवर्ड डाल दिया तो सिर्फ मैं इसी एरेंज पे काम कर सकता हूँ। कब तक, जब तक कि मैंने फाइल को रीओपन नहीं किया है। जब मैं फाइल को रीओपन करूंगा तो फिर से पासवर्ड मांगेगा, और उसके बाद इस पे जैसे काम करने जाऊंगा तो मुझसे पासवर्ड पूछेगा। ऐसे ही आप एक साथ 3, 4, 5, 4, 10 सीटों में रेंज को लगा सकते हैं। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर। ये हो गया। उसके बाद मान लो कोई सीट को डिलीट ना कर सके तो आप यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक, यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए, ताकि कोई सीट को पासवर्ड कंफर्म कीजिए, आप किसी कोई भी सीट को डिलीट नहीं कर पाएगा। ऐसे आप चाहते हैं कि फाइल की ओपनिंग पासवर्ड, जब कोई फाइल ओपन करे तो पासवर्ड चाहिए, तो सेव एज करते समय यहाँ टूल्स में आपका जनरल ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई, दो अलग अलग पासवर्ड डाल सकते हैं, एक पासवर्ड को ओपन करने के लिए, दूसरा किसी तरह के डेटा को चेंज इन करने के लिए। नहीं, अगर पासवर्ड मॉडिफाई नहीं है तो रीड ओनली में भी ओपन हो सकता है, अगर आपने रीड ओनली रिकमेंडेड क्लिक कर दिया तो। लेकिन इसके लिए फाइल को आपको सेव एज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप फाइल सेव एज नहीं करना चाहते हैं, आपका कोई पुराना फाइल है, नया फाइल नहीं है, तो फाइल में जाइए और यहाँ इन्फो के अंदर में ये आपका दिखेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, जो जो प्रोटेक्टेड है उसका लिस्ट दिखेगा। प्रोटेक्ट वर्कबुक में आइए तो यहाँ पे दिखेगा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए, तो क्या होगा, पासवर्ड आप फाइल को ओपन करने के लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। जिसको ट्राई करके देखिएगा, जो जो चीज़ें मैंने बताई वो ट्राई करके देखिएगा। मेरी रिकॉर्डिंग, आप क्लास खत्म होते ही रिकॉर्डिंग आपके सिस्टम में स्टोर हो जाएगी, और उसके बाद जो डाउट होगा, अगर छोटी मोटी डाउट होगा तो कॉल कर लीजिएगा, बड़ी डाउट होगा तो नोट करके रखिएगा, कल की क्लास में पूछ दीजिए।